यार अभी 1-2 घंटे पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई मैं ये वाले थंबनेल का ट्यूटोरियल डालूं, तो भाई आपके मतलब मुझे 20 से 25 DM आ गए कि भाई जल्दी डाल दो भाई, डाल दो। हाँ भाई बिल्कुल, हमें थंबनेल चाहिए। तो ए व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको यही वाले थंबनेल का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो टेक्स्ट है वही खास है। इस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम, रेट्रो टेक्स्ट। तो इसके लिए आपको चाहिए पिक्सल ऐप, PS टच और मेरा पैक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड करना है ये पैक। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है पिक्सल ऐप में और यहाँ पे अपना फॉन्ट लिख लेना है, यानी कि कुछ भी फॉन्ट आप लिख सकते हो, लाइव स्ट्रीम, ग्रेट ओपनिंग, 30-40 या फिर डायनमो, इमुलेटर, नूब, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा पबजी मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं एलिमेंटल एंड, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, वैसे पैक में पड़ा ही है, ठीक है। सो ये फॉन्ट है, इट नीड्स सम पैडिंग, सो हम इसको पैडिंग करेंगे। पैडिंग करने के बाद अरे ओके कर देंगे, फिर इसको ट्रांसपेरेंट करके इसको कर देंगे सेव टू, अल्ट्रा हाई क्वालिटी चाहिए भाई, सेव टू गैलरी। तो पिक्सल ऐप में टेक्स्ट बनाने के बाद आपने PS टच में आ जाना है। PS टच में आपने सिंपली यहाँ पे रेजोल्यूशन लेना है 1920x1080 का, ओके कर देना है। फिर यहाँ पे पैक में से एक स्क्रीनशॉट लेना है, वो PNG पबजी का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स पे पड़ा होगा ये रहा। सो ये ऐसे स्क्रीनशॉट है, कुछ उसको रिसाइज कर लेना है क्योंकि इसका एक्सपेक्ट रेशियो ज़्यादा है थोड़ा सा। इसको फुली साइज कर लेना है और अपने कैनवस पे रख देना है, ठीक है। आप देखोगे नीचे लोडिंग आ रहा है, लोडिंग के लिए क्या करना है, आपने एम्प्टी लेयर लेनी है, ग्रेडियंट में जाना है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट देना है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा ग्रेडियंट है। पहले फेड फेड ये देखिए, और फिर ब्लैक बिल्कुल, और इसका जो वो है ये सर्कल है, ये वाला सर्कल, ठीक है। और इसको ऐसे उठा हुआ है लाइक दिस। या एक और चीज़ कर सकते हो आप, आपको आपको फेड करना होगा, इसको नीचे ले जाके सिर्फ क्लिक ये वाले एरो करने हैं एंड देन इसको खोल के इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही आपकी आसानी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल, ये देखिए। अब बात आती है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट की जो बात है वो स्पेशली आप समझ लीजिएगा कान खोल के, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। सो ये पबजी मोबाइल, एक्चुअली मैं बैकग्राउंड को पहले ग्रे कलर कर देता हूँ थोड़ा डार्कर, ताकि आपको सही से दिखे पबजी मोबाइल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने सेलेक्ट ऑल करना है, ग्रेडियंट देना है। मैं आपको यहाँ पे ग्रेडियंट दे रहा हूँ, ये वाला है, ये वाला ग्रेडियंट है। आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और कलर पिक कर करके, मतलब पहले आप बॉक्स यहाँ पे जाओगे तो डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट में जाके आपने नीचे जल ये वाला ग्रेडियंट चूज़ करना है, ये वाला, ये इसमें सभी पॉइंट्स है, इसमें एक एक पॉइंट इंस्टॉल करना है आपने। और फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ऐसे कलर कर देना, तो ये कुछ ऐसा कलर हो जाएगा, इसको ग्रेडियंट आ गया। इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसका डुप्लीकेट लेयर करना है एंड उसकी डुप्लीकेट लेयर की उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी है एंड इसको फाइनल लेयर के नीचे लेके जाना है एंड देन मूव इट लाइक दिस। तो ये कुछ 3D इफेक्ट देगा, अभी और भी देगा। इसको फिर सेलेक्ट करना है एंड ग्रेडियंट में जाके ये एरो क्लिक करने हैं, एरो दिख रहे हैं वाले, ये एरो क्लिक करने हैं आपने। सो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको ऐसा दिखाने के लिए आपने ऐसे करना है, फिर आपने फिर से फाइनल लेयर की डुप्लीकेट लेयर करनी है, उसको करना है गॉशियन ब्लर और इसको लाइक 60-70 तक गॉशियन ब्लर करके लीनियर डॉज ऐड कर देना है। देखिए लीनियर डॉज ऐड करने के बाद कलर बैलेंस में जाना है और थोड़ी सी ब्लू कलर दे देना, इसको ब्लू कलर बढ़िया लगता है। एंड देन यू हैव टू कट दी ओपेसिटी, आपने फाइनल लेयर के सेलेक्ट पिक्सल करने हैं और लीनियर डॉज वाली लेयर पर जाके इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ही है। सो कुछ ऐसा नज़र आएगा।
आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब ये वाली लेयर बनाओगे ना लीनियर डॉज ऐड वाली, तो इसको सबसे लास्ट में टेक्स्ट प्लेसमेंट वगैरह के बाद में बनाइएगा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको जब इसको मर्ज डाउन करोगे ना तो एक बिल्कुल सिमिलर सा हो जाएगा, तो इसको लास्ट में बनाइएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड देन मैं ये 3D लेयर को भी डिलीट करता हूँ। अब आ जाते हैं अपने थंबनेल पे, तो सिंपली आपने यहाँ पे रखना है, अरे गलत हो गया, मैंने गलत लेयर डिलीट कर दी ना, हाँ ये देखिए ये वाली लेयर डिलीट करनी है। सिंपली आपने अपने थंबनेल पे हम वापस आ गए हैं, यहाँ पे रखना है। मोबाइल को मैं अलग करूँगा, पबजी को अलग, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन एंड क्लियर, दो अलग लेयर बन गई। सो पबजी थोड़ा टिल्ट करके हम बड़ा करके यहाँ पे रख देंगे एंड मोबाइल को भी हम ऐसे ही करेंगे टिल्ट करके, बड़ा कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आपके इमेजिनेशन पे पड़ा है सब कुछ, ठीक है। अब देखिए मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है टेक्स्ट, थोड़ा सा और इसको टिल्ट करेंगे। मैग्नेट टूल बंद करो यार, ठीक है। अब हम सेट हो गए, इनको मर्ज डाउन कर लेंगे दोबारा से, फिर इनको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। सो अब हमने क्या करना है, अब हम 3D वाला काम करेंगे, डुप्लीकेट लेयर करेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ी लो करेंगे एंड देन इसको मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये डायगनल हो गया तो इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये हो जाएगा एंड देन सेलेक्ट पिक्सल्स, अरे हो जाना सेलेक्ट पिक्सल, देन सेलेक्ट पिक्सल्स ग्रेडियंट, और इसका ग्रेडियंट को हम मूव कर देंगे लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। कोई भी सुटेबल है आप वैसे कर दो। देन फिर से फाइनल लेयर की हम लेंगे डुप्लीकेट लेयर, गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर 60-50 रख के लीनियर डॉज ऐड ऑन एंड देन इसकी जो फेड है वो थोड़ी ब्लू करेंगे एंड द लास्ट पार्ट इज अपने फाइनल लेयर पे जाना है, फाइनल लेयर पे जाके बेवल कर देना है। बेवल करने से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसको इसकी एंगल ऐसे चेंज करना है, ओके कर देना है। फिर आपने जो लीनियर डॉज ऐड ऑन वाली लेयर है उसको थोड़ा सा कम करना है, जस्ट लाइक दिस आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हमने देने हैं, मैं आपको पैक में एक पार्टिकल्स दे रहा हूं। लेंस डर्ट करके पार्टिकल्स होंगे, वो आपने अपने प्रोजेक्ट पे रख लेने हैं। लीनियर डॉज ऐड करके उनको कोई भी सुटेबल कलर देना है, जैसे मैं रेड करके थोड़ा सा पिंक कलर देने वाला हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये वाला कलर इसको ऐसे करके दे देना है अपनी मर्जी से, पिंक पुंक सा कलर। अरे यार पहले तो नोटिफिकेशन आ जा, ऐसे जो मतलब जो टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर है उससे थोड़ा सिमिलर हो, जैसे ये पिंक सा ठीक लग रहा है, ओके कर देना। और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही थंबनेल है ये। एक और चीज़, ये देखिए ये वाली चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, एम्प्टी लेयर नहीं, मैं फोटो लेयर में जाऊँगा। मेरे पास एक वो पड़ी है, क्या कहते हैं उसको, और भूल गया टेक्सचर्स में क्या कहते हैं उसको, उसको कुछ कहते हैं, कुछ टट्टी कहते हैं उसको, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। मेरे पास पड़ी है वो GFX में शायद, अरे कहाँ है भाई स्मोक, अरे भाई साहब दुनिया भर की अभी आएंगी नोटिफिकेशन। आइए देखिए इसको ग्रंज वगैरह, ग्रंज कुछ कहते हैं इसको, इसको भी हमने फुली एक्सटेंड करना है, थोड़ा इतना ही पार्ट चाहिए हमको एंड देन हमने इसको ओवरले कर देना है। सो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन आएगा। सो बस इतना ही था ये ट्यूटोरियल, ऐसा थंबनेल बनाना बहुत ही आसान है, बस एक रेट्रो टेक्स्ट है जो थोड़ा मुश्किल है, बेवल दे देना एंड में, और ये जो ग्रेडियंट है इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, छोड़ो स्क्रीनशॉट लो ना यार, स्क्रीनशॉट लो, कलर पिकर से पिक करो
और ग्रेडियंट बना लो अपना। सो गाइज दैट इज अप फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा मेरे चैनल और मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मेरे चैनल का कंटेंट एक बार चेकआउट कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप क्या करोगे, अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो आप बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। और मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करी है, मैं वहाँ पे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, अपने डिज़ाइंस वगैरह डालता रहता हूँ। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, वहाँ पे कॉन्टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और कॉन्टेस्ट से याद आया, इस हफ्ते के ग्राफिक्स कॉन्टेस्ट में हमने जो कहा था बनाने के लिए वो थे बैनर्स, और वो बैनर कॉन्टेस्ट के विनर है अरिहांत ग्राफिक्स ईगर हब एंड नफ GFX। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एज सीरियल ऑर्डर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन विनर्स। आपको शाउट आउट दे रहा हूँ मैं। एंड अब क्या टाइम आए, अब टाइम आता है कमेंट रीडिंग का। तो लास्ट वीडियो में कमेंट रीड हम करेंगे जो आपने करे हैं अपने मेरी वीडियो पे, अपने नहीं मेरी वीडियो पे 1.3K व्यूज़ आ गया, बहुत ही बढ़िया। इस पर हमने रिस्पॉन्स दिया है, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्ट। सबसे पहला हमें कमेंट दिखता है शिवनागा चक्री की तरफ से, VFX पैक प्लीज एंड ट्रांजिशंस ऑल्सो। तो ठीक है ब्रो, VFX पैक जल्दी आ रहा है। टेक बॉय ने किया नाइस ट्यूटोरियल, थैंक यू भाई। यो डेविल, आई एम हैप्पी आई मेड द मैस्कॉट इंट्रो यूजिंग योर मैस्कॉट इंट्रो ट्यूटोरियल। आई मेड अ ग्लिच इंट्रो फॉर माई फ्रेंड ऑल्सो, थैंक फॉर द वीडियो, लव योर कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर योर सपोर्ट। और बस सिड गेमिंग ने कमेंट किया नाइस ब्रो, वैसे ये नेम एमलेट चेंज कर दो ताकि मैं रख सकूं। भाई ये तो आइकॉनिक है, ये नहीं चेंज होगा। एंड जय राम आपने किया ब्रो, क्वालिटी अभी ठीक हो गई शायद, यूट्यूब का प्रॉब्लम था पता नहीं क्या। हाँ जब YouTube कोई यूट्यूबर कोई नई नई वीडियो अपलोड करता है तो 360p में चलती है। एक्चुअली आप मेरी वीडियो थोड़ी देर बाद देख लिया करो। एंड आई विल गैम्बिट गेविन क्या, आई विल से यू टू यूज़ अडोब इलस्ट्रेटर बट इट डज नॉट गुड मेक अलाइनमेंट फॉर iOS, प्रो क्रिएट डाउनलोड फॉर फ्री विल बी बेस्ट। ओके मैं ट्राई आउट करूँगा ब्रो। रूक ऑफिशियल लेके आए टिप, जब लैसा से कलर करो तो लेफ्ट में सेटिंग में जाकर डिस्प्ले बटन को ऑन करो, इससे कलर करना इजी होगा। ठीक है सर, टिप ऑफ द डे इज जब मैस्कॉट ट्यूटोरियल मैस्कॉट बनाने की सोचो तो आप लैसो से कलर करोगे और लेफ्ट में सेटिंग में जाकर डिस्प्ले आउटलाइन को ऑन करना, कलर अच्छा होगा। एंड बस, और दीपांशु डिजाइन किया फर्स्ट, फाइनली आई गॉट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, नोबिता नूबी बहुत हार्ड एमलेट भाई, नाइट क्लैश थैंक यू। उसी ऑन गेम कहा है भाई साहब जस्ट वेटिंग फॉर दिस वीडियो। हाँ भाई सारी वेटिंग वाली वीडियो आएंगी धीरे धीरे, बस थोड़ा दबाव मत डालो, थोड़ी थोड़ी आ रही है। पर एक बंदा मुझे कह रहा है, उसका मैं नाम नहीं रिवील करूँगा, मैकडोनल्ड एक्सपोज्ड। अरे भाई बहुत कमी नहीं हो यार तुम। तो एक बंदा मुझे बहुत कमेंट कर रहा था कि भाई प्लीज़ यार कबीर सिंह वाली इंट्रो। हाँ अभी मैं आपको एक अभी नहीं रिवील करूँगा, मैं तो बाद में रिवील करूँगा। सो और लंबी वीडियो नहीं खींच सकता हूँ। दैट इज अप फॉर टुडेज वीडियो, आई एम लिट साइनिंग आउट।